यार आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो यार हम। हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। और गाइस, अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नीचे देखना रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑल कर देना ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो गाइस, आप लोग बार बार बोलते रहते थे कि कहीं घूमने जाने का व्लॉग बनाओ, कहीं घूमने जाने का व्लॉग बनाओ। तो आज हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। मेरे साथ जो काम करते हैं वो भी जा रहे हैं और आज बिट्टू भी जा रहा साथ में। इधर है बिट्टू भी रेडी हो गया, तैयार हो गया है। और अभी हम लोग जा रहे हैं कहाँ जा रहे आज हम जा रहे हैं नन्हे शहर महादेव मंदिर। तो अभी हम लोग रेडी तो हो गए, तो अभी फट से हम यहाँ से निकलते और वहाँ जाके आपको दिखाते हैं ना। और आप लोग व्लॉग पर कंटिन्यू रहना। गाइस, अभी हम आ गए हैं नन्हेश्वर महादेव मंदिर में। तो ये जो पीछे आप रास्ता देख रहे हैं ये पुराना वाला रास्ता है जहाँ से सब लोग नन्हेश्वर जाते हैं। और यहाँ देखो, यहाँ है वो नन्हेश्वर, यहाँ से तो नीचे उतर के जाना पड़ता है सीढ़ी वन से। ये जो पुराने वाला रास्ता था नन्हेश्वर महादेव मंदिर का, वो हम लोगों ने पार कर दिया। यहाँ से देखो ये एंड होता है, ये अभी हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। और ये रास्ता अभी इसलिए बंद कर दिया, मतलब यहाँ से क्यों, हाँ इसलिए बंद कर रखा है क्योंकि जो अभी नदी देख रहे, बारिश में ना बहुत ज्यादा पानी ऊपर आ जाता था जिसकी वजह से यहाँ से निकलने में काफी दिक्कत आती थी। इस वजह से ये रास्ता अभी बंद कर दिया है और अब नए रास्ते से सब लोग आते हैं। नया रास्ता वहाँ है, उधर बहुत दूर है, तो अभी हम लोग इतने ज्यादा दूर भी नहीं है, हम लोग नए रास्ते से भी जाएंगे। तो लेकिन आपको यहाँ से भी थोड़ा सा रास्ता नजारा दिखा देते। ये देखो नदी, अभी बरसात नहीं इसलिए वजह से आपको एक कम दिख रही है। देखो यहाँ से बहुत दूर है, तो ये तो खरगोन तक जाती है क्यों ये वाली नदी, तो है ना। तो अभी यहाँ पर हम लोग फोटो शूट भी करने वाले हैं और इधर का भी थोड़ा सा देख लो नजारा। बाकी हम मंदिर में जाएंगे, वहां से दिखाएंगे आप लोगों को। तो अभी यहाँ हम थोड़ी बहुत फोटो शूट कर लेते हैं, उसके बाद मंदिर में आपको डायरेक्ट वहां मिलते हैं और वो नया वाला रास्ता भी दिखाएंगे। तो आप लोग ब्लॉग पर कंटिन्यू रहना। फाइनली हम लोग नए रास्ते पर आ गए। ये देख सकते हो ये पुल बना हुआ है नन्हेश्वर महादेव मंदिर जाने के लिए। और इधर बच्चे नहा रहे हैं नंगे ही। और बिट्टू किधर है? बिट्टू बाइक पर ही बैठा हुआ है। और अभी हम यहाँ से फटाफट, ये देख सकते हैं पीछे सीधे जाएंगे नन्हेश्वर महादेव मंदिर के अंदर। तो अभी हम फटाफट यहाँ से निकलते हैं। तो फाइनली गाइस, हम लोग नन्हेश्वर महादेव मंदिर आ गए। ये हम लोगों ने बाइक वगैरह भी रख दी यहाँ पर। और ये थोड़ा सा यहाँ का नज़ारा देख लो, क्योंकि ये मंदिर तो इधर अंदर है, बहुत सारे मंदिर है इधर अंदर। और यहाँ का थोड़ा सा भी ये नज़ारा देख लो, कितना अच्छा लग रहा है। और काफ़ी दिनों से मैं यहाँ पर नहीं आया हूँ, बहुत समय हो गया है। और अभी कल परसों भी यहाँ पर कुछ गया, शायद भंडारा भी यहाँ पर था, लेकिन हम लोग काम में ज्यादा ही बिजी थे तो आ नहीं पाए। तो अभी हम लोग फटाफट मंदिर में जाते हैं और वहाँ का नजारा आपको दिखाते हैं। गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं नन्हेश्वर महादेव मंदिर के ये कुंड के पास। तो अभी हम लोग यहाँ पर सबसे पहले पता है मंदिर में जाने से पहले यहाँ पर हाथ मुंह वगैरह धो लेते हैं, क्योंकि हम सबसे पहले हम इधर नीचे देखो, इधर है ये ओमू गया हुआ है। यहाँ पर अभी हम सबसे पहले हाथ मुंह वगैरह सब धो लेते, उसके बाद में हम लोग मंदिर में जाएंगे तो वहाँ का भी आप लोगों को नजारा दिखाएंगे। तो आप लोग व्लॉग पर कंटिन्यू रहना। अभी हम लोग फटाफट जाकर वहाँ से हाथ मुंह धो लेते हैं। और इधर बिट्टू भी है, बिट्टू चले बेटा वहाँ पर हाथ मुंह धो लेंगे बिट्टू, चलो। तो अभी हम लोग वहाँ जाकर सबसे पहले हाथ मुंह वगैरह धो लेते, उसके बाद में हम लोग मंदिर में जाएंगे। और आप लोग व्लॉग पर कंटिन्यू रहना, एंड तक जरूर देखना। तो फाइनली गाइस, हम लोगों ने हाथ मुंह वगैरह सब धो लिया है और अब हम लोग भी सब मिलकर मंदिर में एंटर करने वाले हैं। ये देख सकते हो पीछे ये देख सकते हो पीछे मंदिर। तो अभी हम लोग मंदिर में जाते हैं। फाइनली गाइस, हम लोग आ गए मंदिर के अंदर ही। आप ये देख सकते हो मंदिर का नजारा, इधर सब लोग ये मंदिर में जा रहे हैं, बिट्टू दुर्गेश वगैरह सब, ये ओमू भी। ये देख सकते हो इधर मंदिर का नजारा। उधर साइड में पता है आप, मैं आप लोगों को कुंड है वहाँ पर, वहाँ मछली वगैरह भी है, तभी मैं वहाँ जाकर आप लोगों को दिखाता हूँ ना। ये देख सकते हो यहाँ पर ये मछली वगैरह भी है, हमेशा यहाँ ऐसी मछलियाँ रहती है यहाँ पर बड़ी बड़ी, और रंग बिरंगी मछली आप देख सकते हो। और ये हमारे गाँव का ये बहुत ही ज्यादा फेमस मंदिर है, ये आप यहाँ से देख सकते हो। ये और ये बिट्टू की ब्लॉगिंग सुन लो, बिट्टू बोल बेटा। सही साइड बोल जल्दी बोल। गाइस, अभी है ना, आज शायद बिट्टू को कुछ ना कुछ हो गया है, व्लॉग शूट नहीं कर पा रहा सही से, नई जगह आया ना, इस वजह से थोड़ा सा शर्मा रहा है। तो अभी बिट्टू क्या देख रहा है? तो बिट्टू अभी मछली देखने में व्यस्त है। तो अभी हम लोग अब यहाँ से निकलते, थोड़ा मंदिर के अंदर जाते हैं। आप लोग
हेलो काका मच्छी दे, कहाँ है मच्छी दिखा बिट्टू। तो ये बिट्टू मुझे मच्छी दिखा रहा है, तो हम लोगों ने मच्छी बली बली से। हाँ चल चल बिट्टू, आप दर्शन करने चले। कहाँ से गाड़ी? दूर रह बेटे, दूर रह जाए जाए। तो ये देख सकते हो नंदेश्वर। चल निकल, आगे निकल, बोल बोल बिट्टू, बोल बिट्टू, बोल। हाँ बोल बोल बिट्टू, बोल। पाई लाग बेटा पाई। हाँ हाँ बोल, आगे जाएगा पाई। बिट्टू अच्छा से बेटा, अच्छे से बिट्टू किस तरह से। चल आप बोल, क्या कर रहे सब लोग? अगरबत्ती जला रहे। बोल बेटा जला रहे, और उसके बाद यहाँ पे नारियल वारियल भी फोड़ेंगे ना बिट्टू। हाँ। अभी नारियल भी यहाँ पर फोड़ेंगे, आप देख सकते हो। हाँ, और नारियल फोड़ने के बाद कौन खाएगा बिट्टू? बिट्टू खाएगा नारियल फोड़ने के बाद। अरे वाह यार, कैसे खाएगा बिट्टू नारियल? ऐसे खाएगा नारियल? और तेरे फैंस को नहीं देगा तू नारियल क्या बिट्टू? तेरे फैंस को नहीं देगा नारियल? तेरे फैंस जब ये वीडियो देखेंगे तो उनको नहीं देगा नारियल? ताला पेंच अभी देखेगा बिट्टू, जब तू वीडियो डालेगा तब ताला पेंच देखेगा। हम लोगों ने नारियल वारियल भी, हाँ ये अमू ने फोड़ दिया है, देख सकते हो। पानी अच्छा निकला कि खराब निकला? तो गाइस नारियल खराब निकला, इसका क्या मतलब होता है? पूरा नारियल लग गया है। मतलब भगवान हमारे से ना ये पूरा नारियल लेना चाहते, तो अभी हम लोग, अब कोई ना कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ना हमारे साथ बहुत बार हुआ है, जब भी हम कहीं मंदिर में जाते हैं ना तो नारियल खराब निकल जाता है। इसका ये मतलब है कि भगवान चाहते हैं कि हम उसको पूरा नारियल दे दे, तो ये पूरा नारियल भगवान को दे दे। तो अभी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर और घूम लेते हैं, उसके बाद फटाफट घर भी जाना है क्योंकि काम बहुत ज्यादा है ना। अरे बिट्टू बिट्टू देखो कैसा लग रहा है बेटा, मजा आ रहा है मंदिर में? एक नंबर मजा आ रहा। ये भाई मुझे मिल गए, और ये शायद पहले से मुझे जानते हैं। तो कहाँ से जानते हो आप? टिकटॉक से जानते हो, स्नैक से जानते हो, या यूट्यूब से जानते हो? टिकटॉक। अच्छा ये टिकटॉक से मुझे जानते हो, तो भाई थैंक यू। और ये वीडियो जरूर देखना, मेरे यूट्यूब चैनल संतोष रोकड़े पर ये ब्लॉग आएगा, है ना? ठीक है भाई। यहाँ पर बता, यहाँ पर जो ताला लगा हुआ दिख रहा है, यहाँ पर हम क्या क्या दिखता कुंड है? पुराना, यहाँ पे ना पुराना कुंड है, और यहाँ पर बोलते है कि यहाँ पर पांच फन का बाबा है ना, ऐसा बोलते है क्या यहाँ पर? ये कुंड से पहले यहाँ पे ताला नहीं लगा हुआ था तो वो दिखाई देता था, ऐसा सब बोलते थे। और हम लोगों ने भी देखा हुआ है, तूने देखा है? हाँ। मैंने भी देखा हुआ है, बट अभी यहाँ पे ताला लग चुका है, अभी यहाँ पर देखने नहीं देते शायद। जो गुफा है वो डायरेक्ट ओंकारेश्वर पहुंच सकती। क्या बात कर रहे हैं, यहाँ की गुफा शायद ऐसा बोलते कि ओंकारेश्वर पहुंच सकती, मुझे इसके बारे में तो नहीं पता है, उमू बोल रहा है तो हो भी सकता है। गाइस अब हम आपको अंदर का थोड़ा दिखा देते हैं। ये माता का मंदिर भी आपको दिखा देते हैं। अंदर आ, सॉरी हम लोग घंटी बजाना, शायद इसमें घंटी नहीं है, पता भूल गए थे घंटी बजाना। चल चल बाप ने मालूम बिट्टू, पहले सबसे पहले बेटा हाथ हाथ जोड़ ले, माता के हाथ जोड़ ले बेटा, ऐसे ऐसा बहुत अच्छे से पीछे सुसर करते हैं बेटा, हाथ जोड़।
तो ये माता का मंदिर आप देख सकते हो। अभी हम थोड़ा राउंड वगैरह की यहाँ से राउंड करने वाले हैं। और ये है मगरमच्छ, देखा है आपने मगरमच्छ? घंटी बताओ तो बिट्टू भाई, बिट्टू का देखना घंटी हो जाएगा। अरे बिट्टू कितना ज्यादा डर रहा है, ऐसा लग रहा है बिट्टू ना कभी कोई मंदिर नहीं गया है। बिट्टू फर्स्ट टाइम मंदिर आया हुआ है, इस वजह से बिट्टू को कुछ अलग लग रहा है, कुछ नई जगह लग रहा है, इस वजह से बिट्टू डर रहा है। यार मैं कहाँ डर रहा हूँ, चलिए और आपको दिखाते हैं थोड़े और मंदिर। तो अब हम आते हैं एक और इधर मंदिर, बजरंग बली पता नहीं बजरंग बली क्या चलेंगे। तो इधर मछली वगैरह तो मैंने आप लोगों को पहले ही दिखा दी थी है ना। अभी हम ये हवन कुंड, ये हवन कुंड है, आगे नहीं जाते थोड़ा सा पता नहीं कोई चिल्ला आपको गाइस कोई चिल्ला भी सकता है। तो अभी हम आपको ले जाते हैं बजरंग बली के मंदिर में। वहाँ भी चलो टाइम चला, चलो पहले बजरंग बली ये थोड़ा सा लिखा हुआ दिखा देना, चलो 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 अब अपने चोलो बजाओ बजरंग बली बजा दो इधर से अच्छा दिख रहा है। गणेश मंदिर देखो यहाँ पर गाइस, यहाँ पर ना ये नन्हेश्वर में बहुत सारे मंदिर रहते हैं। यहाँ पर दुर्गा माता का है, बजरंग बली का है, और आप ये पीछे देख सकते हो यहाँ पर है ना, पहले ना ओल्ड वाला शायद मंदिर था, तो अभी उसको नई तरह से बन रहा है। ये देख सकते हो, मतलब ये जो ओमू दिखा रहा है ना यहाँ तक ही था, तो अभी ये देख सकते हो यहाँ तक मतलब बन रहा है, नया नया बन रहा है ना। और इधर कुंड भी देख सकते हो। और गाइस अभी मंदिर में थोड़ा सा आपने देखा हमारे ऊपर थोड़ा सा भड़क गए, तो जो भी अभी पूजा करने के लिए आए तो चिल्ला भी रहे थे हम लोगों को, बट अभी क्या कर सकते यार, अजीब लग रहा है यार। अब मैं ना क्या ही बताऊं। तो फाइनली गाइस ये मंदिर का सारा व्लॉग हम लोगों ने शूट कर लिया है, सब कुछ शूट कर लिया है। और ये भाई चाय लेके हमारे लिए आए, शायद पहले से ही जानते हैं हमको, टिकटॉक वगैरह से सब लोग जानते हैं ना। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद टिकटॉक बैन हो गया है, और अभी 7 तारीख को स्नैक भी बैन हो गया, तो सारे वीडियो सारे ऐप बंद हो गए, तो मुझे कोई भी नहीं जानता होगा। लेकिन फिर भी अभी काफी लोग अभी भी ये लोग जानते हैं, और अभी ये हमारा यूट्यूब पे भी अभी हमको देखते हैं, सब्सक्राइबर है हमारे। तो गाइस आज का ये वीडियो तो आप लोगों को पक्का पसंद आया होगा, और बहुत ही बहुत क्या पहली बार मतलब मेरे चैनल पर मैं मंदिर वाला व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ, कि मेरे पास भी समय नहीं रहता था कहीं घूमने जाने के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है काम से फुर्सत नहीं मिलती है। तो आज ये पहला ये मंदिर वाला व्लॉग शूट किया है, तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप इस व्लॉग को लाइक करोगे, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करोगे, और कमेंट करके जरूर बताना कि ये वाला व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा था। तो मैं भाई लोगों का थोड़ा सा आप लोगों को इंट्रो भी करा देता हूँ कि इनका नाम क्या है, आपका नाम? आर्यन। आर्यन
और आपका इनका तो मैंने थोड़ा और पहले भी लिया था जीना है और भाई का आयुष। तो ये कल आज क्या था आज 10 जनवरी है, तो ये वाला लोग अपलोड होगा 11 जनवरी को रात 7 बजे, तो आप लोग देखना है ना। और थैंक्स, और मिलते हैं कल और एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।